एक ऑफिस था कई मंजिल का। वहाँ एक छोटा लड़का था। वो ऑफिस में आने जाने वाले या अन्य लोगों का बूट पॉलिश किया करता था, बैठे रहता था और जो भी आए बूट पॉलिश करता था, पैसा लेता था, जीवन गुजर करता था। एक दिन उनका जन्मदिन आया। उसके मन में हुआ कि आज मेरा जन्मदिन है, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं, क्या करूं? ऑफिस में जहाँ प्रवेश द्वार होता है वहाँ वो सामने बैठता था और कई तल का था, उसमें बहुत से कर्मचारी, सैकड़ों, हजार कहना चाहिए, इतने कर्मचारी काम करते थे, या लोगों के और आना जाना होता था। वो बैठ गया। क्या मन में निश्चय किया? 100 नंबर का जो भी आदमी आएगा गिनेगा, वो गिनता था 1 2 3, और जिसका नंबर 100 में आएगा उसका, उसके जूते की पॉलिश मैं फ्री में करूँगा, आज कुछ करना है। गिनने लगा, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, जैसे 100 आया दौड़ गया पैर के पास। एक कोई कर्मचारी था कि बाबूजी, बाबूजी मैं पॉलिश करा, मैं आप बूट पॉलिश करूँगा। नहीं, मुझे नहीं कराना है। नहीं बाबूजी, मुझे करना है, पैसा नहीं लूँगा, आज पैसा नहीं लेना है। क्यों पैसा नहीं लोगे? आज मेरा जन्मदिन है ना, आज मुझे कुछ अच्छा करना है। अच्छा, कौन तैयार नहीं होगा? रख दिया जूता, पॉलिश करने लगा। और जानते हैं, पैसा तो लेना नहीं था, जिस कदर उसने पॉलिश की उसकी, जिस तन्मयता से, जिस समर्पण से, जैसे जूता एकदम से शोरूम से निकला हो, चमकने लगा। कमाल कर दिया वो उस दिन, पूरा मन लगा करके। उनकी तल्लीनता को देख करके वह अधिकारी इतना खुश हुआ। पॉलिश करता था, 5 रुपये मिलता था उसको। अधिकारी ने क्या किया? 100 रुपये का नोट निकाला और कहा, ये रख लो। नहीं नहीं लेना है, ये तुमको पॉलिश करने के नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको मिठाई खाने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा आएगा। या कैसे हो सकता है कि हम अच्छा करें उसका परिणाम बुरा आए, या बुरा करें उसका परिणाम अच्छा आए?